सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आज हम आए हैं मुंबई के आक्सा बीच पे और यहाँ पर हम सिमिलरली इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम कंडक्ट किया था। यहाँ पे पब्लिक का ओपिनियन लेंगे एनिमी के बारे में और क्या इंडियन कार्टून्स इंप्रूव कर सकते हैं उनकी स्टोरी लाइन वगैरह में, ताकि बच्चों को और अच्छे मॉरल लेसन मिले और काफ़ी एंगेजिंग बने, बस एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बने और उन्हें लाइफ के लेसन भी उन्हें एनिमेशन के द्वारा मिले। और ऑफकोर्स एनिमी का क्या इम्पैक्ट होगा सिंस अभी ड्रैगन बॉल हिंदी में आ रहा है, उसके बारे में भी हम लोगों से चर्चा करेंगे। तो बिना किसी तरीके में इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो दोस्त, आपका नाम क्या है? वैभव। वैभव, आपने एनिमी देखा है? हाँ जी। कौन कौन से? ड्रैगन बॉल जी, डेथ नोट और भी दो तीन देखे हैं। ड्रैगन बॉल को आपने पूरा फॉलो किया है या आधा आधा? पूरा। मार्जिन बू तक देखा है। तो ऑफकोर्स आपने वेजिटो देखा होगा, उसमें फ्यूजन। सो आपको क्या लगा जब गोहान ने कैच लाइक नहीं पकड़ा? तो हो सकता था गोहान एंड गोकू का हमें फ्यूजन देखने को मिलता, बट आफ्टरवर्ड्स हमें वेजिटा गोकू का देखने को मिला। सो डू यू थिंक गोहान एंड गोकू का फ्यूजन ज़्यादा पावरफुल होता कंपेयर टू वेजिटो? आई थिंक जो हुआ सही हुआ, क्योंकि बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन था और वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो सरप्राइजिंग एलिमेंट। डेथ नोट में एल की मौत पे तुम्हें क्या कहना है? डिसअपॉइंट हुआ था मैं एक्चुअली, उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल लगा मुझे शो का। सिंस बहुत लोगों ने एल के साथ अपने को कनेक्ट किया, सिंस ही वॉज एन इंट्रोवर्ट, ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो एक हमदर्दी आई, बुरा लगा सिंस एल से तो, सॉरी जो एल है और अपना लाइट से तो अच्छा एल ही लग रहा था लोगों को, इवन तो लाइट फोकस था शो का। हाँ, राइट, बिकॉज एल से मैं खुद कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ और थोड़ा ऑकवर्ड हूँ, मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ, तो आई थिंक एल से काफ़ी लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो डिसअपॉइंट हुआ था जब एल की डेथ हुई थी। सो डू यू नो ड्रैगन बॉल इज कमिंग बैक, हिंदी में आ रहा है, कार्टून नेटवर्क ला रहा है May 22 से वो भी। आई जस्ट हर्ड इट फ्रॉम यू। ओके, सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? डू यू थिंक कि ड्रैगन बॉल अभी अच्छा खासा और होम टू होम लाइक उसका पब्लिसिटी होगा, किड्स विल वॉच की साला क्या है ये, इतना प्रमोशन हो रहा है। एग्जैक्टली, डू यू थिंक इट विल इम्पैक्ट अभी के जो बच्चे जो देखते हैं, जो हमारा इंडियन कार्टून है, जेनेरिक कार्टून है, छोटा भीम हो या मोटू पतलू हो, एंड सिंस ऐसा कहना गलत होगा कि सिर्फ यही लोग हैं, डोरेमोन, निंजा थोड़े, ये सारे जापनीज एनिमी ही है जो हिंदी में डब होकर बहुत टाइम से आ रहे हैं। आई एम श्योर कि आपने भी बचपन से देखा होगा, सो आपने डिफरेंस देखा है जो इंडियन में होता है जापनीज में होता है? इंडियन का कॉन्टेंट अच्छा है, बट आई थिंक जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा, जितना बाकी कंट्रीज से भी कंटेंट मिलेगा, जैसे कि जापनीज कंटेंट है वो, इट्स रियली गुड। तो आई थिंक सब हर जगह का कंटेंट मिलना चाहिए और अच्छा है कि अब हिंदी में डब्ड आ रहा है। डू यू थिंक जो इंडियन कार्टून जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनका जो एंड में जो हमें मॉरल जो देना चाहिए बच्चों को जनरली, वो काफ़ी लेस होता है कंपेयर टू बाकी के शोज? लाइक इवन दो इन डोरेमोन गैजेट्स इमेजनरी, बट इंडियन नोबिता को एक ऐसा सबक मिलता है कि नोबिता अगर तूने सो हरकत नहीं की होती तो रिजल्ट कुछ और होता, एंड वही अगर हम बाकी के छोटा भीम वगैरह देखें, सो ही इट्स अ लट्टू एंड ही पावर्स अप, दैट्स इट, ही सेव्स हिज गर्ल एंड हिज फ्रेंड्स, दैट्स इट, इन एवरी एपिसोड सेम स्टोरी गोज ऑन। सो इस पे लाइक क्या कहना है, शुड दे इम्प्रूव देयर कॉन्टेंट स्टोरी राइटिंग इन टर्म्स ऑफ गिविंग मॉरल लेसन टू द चिल्ड्रन? लाइक आई सेड, जितना डाइवर्स होगा, जितना डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, डेफिनेटली देयर हैव बीन सम एपिसोड्स दैट आई हैव सीन जो इंडियन कंटेंट में उधर अच्छा उन्होंने एक मॉरल वैल्यूज दी है, बट आई थिंक डाइवर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक एरिया में हम नहीं रह सकते, हमें और भी सब explore कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। सिंस यू नो अब ड्रैगन बॉल हिंदी में आ रहा है, सो विल यू वॉच इट? डेफिनेटली। दोस्त, आपका नाम क्या है? प्रांजल। प्रांजल, आपने एनिमी देखा है? हाँ, मैं लाइक आई वाज यूज्ड टू वॉच ड्रैगन बॉल जी। ड्रैगन बॉल एंड अदर देन ड्रैगन बॉल? नो, बिकॉज़ आई आल्सो यूज्ड टू प्ले ड्रैगन बॉल ऑन प्लेस्टेशन। ओके, या ओके, सो ड्रैगन बॉल में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? सो वेजिटा वाज माय फेवरेट, बिकॉज़ मतलब मुझे याद आता कि मैं जो भी मेन जो कैरेक्टर होता मुझे पसंद नहीं आता, जो सेकंड कैरेक्टर अच्छा होता वो पसंद आता, तो दैट्स व्हाई इट्स वेजिटा। तो वेजिटा का आई गेस कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको काफी पसंद आएगा, सिंस ही वाज वेरी ईविल हार्टलेस, बट लेटर ऑन ही टर्नड आउट टू बी यू नो इतना प्यारा, लाइक फैमिली को ये करने वाला, भले ही वो दिखाता नहीं, बट वो बोलते हैं ना पूरा मोटिवेशन उसका फैमिली है कि यार फैमिली पे कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसका आपका क्या टेक डाउन है? लाइक फॉर श्योर, इफ लाइक वो एक्सपोजर अभी इंडिया में मिलेगा तो इट विल बी गुड फॉर द किड्स एज वेल। सो डू यू नो कि ड्रैगन बॉल हिंदी में आ रहा है सिंस यू सेड? या सो लाइक वो चीज़ें आनी चाहिए इंडिया में, बिकॉज इंडिया के बच्चे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलत लाइक नॉनसेंस देख रहे हैं, सो इट विल बी हेल्पफुल फ्रॉम देम एज वेल। एंड जो भी जैपनीज कार्टून्स हैं, सो कार्टून हैं, इनकी एक्सपोजर बहुत बड़ा है एंड इंडियन किड्स शुड नो इट। ओके, सो डू यू नो कि कार्टून नेटवर्क ने नियरली अपना 80% जो अपना ग्रोस प्रॉफिट होता है वो ड्रैगन बॉल के राइट्स खरीदने में लगा दिया, सो दैट इट कैन ब्रिंग बैक। सो इस पे लाइक व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू कार्टून नेटवर्क?
बिकॉज इट्स अ बिग रिस्क सिंस दे आई नो नॉट श्योर कि हिंदी डब चलेगा नहीं चलेगा सिंस पीपल आर वेरी स्केप्टिकल बिकॉज दे हैव वॉच ड्रैगन बॉल इन इंग्लिश एंड इन सबटाइटल्स ओनली सबटाइटल्स यस यस सो आई थिंक लाइक इफ दे आर डूइंग सो इट विल ऑब्वियसली राइट बस आई डोंट नो अबाउट मीडिया एंड चैनल नेटवर्क्स बस it's looking good and hope it's a good initiative yeah it's a good basically it's a good initiative and I hope like it will go ahead okay yeah. so do you think ki aisa like acha khasa anime exposure aane se like the way parents look at the animation like bas ek time pass wagera hai ya fir like jo bacche hai yeah like kuch seekhenge like morals jo hai acche khase provide kiya jata for example hum abhi as you said vegeta character development pasand aaya and you said ki I used to play game 2 on psp wagera yeah, right. so kuch to reason rahega ki ha बंदे की बॉडी है या फिर हेयर स्टाइल है या फिर द वे आई लाइक द पर्सनालिटी बिकॉज़ या पर्सनालिटी वाज गुड एंड मेरे साथ अभी मूवीज में होता है कि आई डोंट लाइक द मेन कैरेक्टर लाइक आई एम लाइक टू गो टू द सेकंड कैरेक्टर फेमस डू यू थिंक ऐसे मोर प्रांजल में देखने को मिल सकते हैं हां ऑब्वियसली मिलेंगे कोई गॉजेटा भी बोलेगा लाइक न्यू कैरेक्टर वाज गॉजेटा इफ यू सी ड्रैगन बॉल ड्रैगन बॉल सुपर सो ओके सो अभी कार्टून नेटवर्क पे आपको 22 मई से देखने को मिलेगा सो विल यू वॉच इट सिंस आई नो ऑलरेडी यू हैव बीन कंप्लीटेड द एंटायर सीरीज इन इंग्लिश और इन सबटाइटल बट स्टिल आर यू विलिंग टू वॉच इन हिंदी या इफ आई विल गेट टू नो कि ये आ रहा है सो आई विल ट्राई टू वॉच इट सो दोस्त आपका नाम क्या है नारायण नारायण आपने एनिमी देखा है हाँ देखा है कोई भी नाम बता सकते हो बेंटेन देखा है फिर करेज द काउडली डॉग देखा है बहुत सारे मतलब ऐसे देखे जो निक पे आते थे कार्टून नेटवर्क करेज द काउडली डॉग और बेंटेन अमेरिकन कार्टून है जापानीज में फॉर एग्जांपल निंजा तो निंजा तो वगैरह है तो अगर आपने ड्रैगन बॉल देखा है ड्रैगन बॉल सी हाँ देखा है एक दो एपिसोड्स मतलब देखे तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है गोकू गोकू बिकॉज मैंने देखा है एंड एक्चुअली वो ऐसा देखा है कि बहुत लोग देखते हैं एंड बीच में मतलब मैं फुटबॉल फॉलो करता हूँ सो उसमें गोकू का सेलिब्रेशन भी हुआ था बीच में तो मुझे मालूम है ओबामियांग से हुआ था आई रिमेंबर सो क्या आपको मतलब इंस्पिरेशन आती है कि उनका फिजिक है हाँ ऑफकोर्स बिकॉज अभी के बच्चे अगर वो वैसा देखेंगे बिकॉज उसका जो फिजिक है जैसे कि बॉडी है एंड उसका जो मोटिव है कि सब कुछ अच्छा करना है एंड एज अ फाइटिंग स्पिरिट वो बहुत अच्छा है सो अच्छी बात है कि अगर बच्चे वो देखेंगे या अच्छा अभी जैसा आपको पता है जैसा आपने मेंशन किया बच्चे देखेंगे मतलब आपको पता है कि कार्टून नेटवर्क वापस ला रहा तो इस पर आपका क्या टेक डाउन है कि लाइक जो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग है द वे दे वॉच एनिमेशन ओके विल इट गेट एनहांस या फिर उन्हें और दे विल गेट एनहांस डूइंग मोटिवली एंड उनका एक रहता है कि हम एक गोल अचीव करना है एंड फाइटिंग द विलन्स एंड मेकिंग द वर्ल्ड पीसफुली एंड सेफ सो इट इज़ गुड टू चिल्ड्रन सी दिस थिंग बिकॉज सी स्ट्रांगली रहना और एक गोल सेट करना बिकॉज ऑफ फोकसिंग तो ये अच्छी बात है बच्चों को देखना चाहिए मैं भी बच्चा ही मतलब ठीक है हम सब बच्चे वही एनिमी में ऐसा कुछ एज होता नहीं है बिकॉज सी इवन माई फ्रेंड जो 24 एज का है मतलब वो MBA कर रहा है बट स्टिल ही सीज ऑल द ड्रैगन बॉल सी एपिसोड्स ऑन नेटफ्लिक्स सो इट्स अ गुड थिंग के अभी भी मतलब है ट्रेंड में कि लोग देखते हैं ऐसा तो दोस्त आपका नाम क्या है यश प्रभु आपका काव्या शाह सो आपने एनिमी देखा है एनिमी में कौन से शोज आपने देखे हैं अभी नारुतो देखा है वन पीस एंड ड्रैगन बॉल सी सो 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 आपने ड्रैगन बॉल देखा है या ड्रैगन बॉल में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है वेजिटा क्यों सिंस उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या हाँ मतलब स्टार्ट से उसका डेवलपमेंट इज अ बिट द कर्व इज अ बिट डिफरेंट देन ऑल द अदर कैरेक्टर्स सो ओके सो एज यू नो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब आपके पास आ रहा था मैंने बोला कि कार्टून नेटवर्क हिंदी में ला रहा है सो इस पर आपका क्या टेक डाउन इन अ वे इट्स गुड दैट इट विल रीच अ लॉट ऑफ पीपल बट इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम जो ओरिजिनल जापानीज का फील चले चले जाता है सो हिंदी में इट्स इवन मोर अच्छा लाइक यू आर डाउटफुल इट मे डिलीवर और इट मे नॉट बट द थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दैट वॉच एनिमे विल ऑब्वियसली प्रेफर टू वॉच इट इन जापानीज एंड दे डू एनीवेज इन अदर मीडियम्स सो इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग दैट रीच बढ़ेगा एटलीस्ट दे आर ट्राइंग सो अगर मैं आपको ये बताऊँ कि कार्टून नेटवर्क ने नियरली अपना 80% जो ग्रोस प्रॉफिट होता है निकाल के ड्रैगन बॉल के राइट्स खरीदने में लगा दिए ताकि वो हिंदी में ला सके सो इट्स अ बिग रिस्क फॉर देम सो डू यू थिंक अच्छा पे आउट होगा इनका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा लाइक किड्स विल लव इट आई थिंक रिस्पॉन्स विल बी गुड बिकॉज अभी वैसे भी देखने जाए तो कार्टून्स वैसे इतने हैं नहीं जो देख पाए इवन नॉट जस्ट लाइक इन इंडियन मीडिया बट इवन अदरवाइज अभी के कार्टून जो है कंपेयर टू व्हाट वी यू आर एड्रेसिंग मोटू पतलू छोटा भीम वगैरह यस एग्जैक्टली गॉट इट
मैडम आपने कौन सा लाइक एनिमी देखा है या मूवी देखे? मैंने योर नेम, वेदरिंग विथ यू और स्टूडियो गिबली के थोड़े बहुत एनिमे मूवीज देखे हैं। ओके, सो आपने एक अच्छा डिफरेंस देखा है। सो आप कह सकते हो, अगर कोई बोलेगा कि एनिमी कार्टून है बच्चों के लिए होता है, सो यू कैन से कि नहीं, वो बड़े लोग के लिए भी होता है, मैंने देखा है। सो योर नेम में आपको फेवरेट सीन कुछ याद है? आपका फेवरेट सीन क्या है? तो फाइनली वो लोग मिलते हैं, द वे दे बोथ रन टुवर्ड्स ईच अदर एंड देन सडनली वो वैनिश हो जाती है, सिंस वो टाइम खत्म हो जाता है। तो कितना इम्पैक्टफुल लगा कि आपको ऐसा लगा कि हाँ मस्त है समथिंग? मैंने इमेजिन नहीं किया था कि एनिमेशन में भी ऐसा कुछ हो सकता है। एक्चुअली पूरा स्टार्ट टू एंड वो जो स्टोरी लाइन था वो काफ़ी डिफरेंट था, और वो सिर्फ जापानीज एनिमेज में दिखता है वैसा स्टोरी, और लाइक वो बहुत इम्पैक्टफुल था बिकॉज वो जो स्टोरी था तो वो कोई भी एज ग्रुप के लिए काफी सूटेबल है, रिलेट कर सकता है। हाँ, रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप ऐसा आपने देखा है, अभी आपका एक्सपोजर हुआ है, आप लाइक जैसा मैंने कहा सोचा नहीं था ना कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, आफ्टर वॉचिंग ये लगा कि हाँ। सो क्या आप और भी एनिमीज देखना पसंद करोगे इन फ्यूचर, लाइक फ्री टाइम में चल इसको हम चेकआउट मारते, लोग बात कर रहे हैं? सो जैसा मैंने अभी इनसे कहा कि एक एनिमी है जो इंडिया में आ रहा है हिंदी डब में, आपको पता है इंग्लिश में मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है। सो डू यू थिंक कि बच्चों के लिए अच्छा है, लाइक दे विल सी एनिमेशन इन अ डिफरेंट वे रादर देन एंटरटेनिंग? तो है ही, बट उनसे मॉरल लेसन भी हम ले सकते हैं, दोस्ती क्या होती है, प्यार क्या होता है, और जो लाइक बाकी के इमोशंस अच्छे से सीख सकते हैं देख देख के। हाँ, सीख सकते हैं। जैसे शिनचैन भी हम जब छोटे थे तब हमने ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं देखा था, हिंदी में ही देखा था स्टार्टिंग में, क्योंकि आई डोंट नो तभी अवेलेबल था कि नहीं इंग्लिश या बाकी के लैंग्वेज में, तो वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल था हमारे लिए, और वो लाइक हमारे चाइल्डहुड का एक मेजर पार्ट था शिनचैन, और जो हमने उससे सीखा। तो आई थिंक अगर ड्रैगन बॉल जी भी अगर हिंदी में आता है तो स्टोरी इज़ व्हाट मैटर्स, थोड़ा वो लैंग्वेज की वजह से थोड़ा कल्चर वो नहीं समझ में आता है उनका, बट अदरवाइज इट विल बी नाइस, बिग हिट अकॉर्डिंग टू यू, लाइक वी कैन थिंक कि हो सकता है, स्टिल अ बिट स्केप्टिकल, बट हाँ कुछ तो हो सकता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए। जैसा आपको पता है कि शिनचैन, डोरेमोन, ये सब एनिमे हम बचपन से देख रहे हैं, आई अग्री इमेजिनरी है, डोरेमोन के गैजेट इमेजिनरी है, बट एट द सेम टाइम एपिसोड के एंड में ऐसा जरूर होता है कि डोरेमोन उसे एक लाइन बोलेगा जिसमें कि ऐसा होता है कि नोबिता अगर तू ऐसा नहीं करता ना तो तेरे साथ ही ऐसा ऐसा होता, लाइक एक मॉरल एक अच्छा मिल रहा है, वही आपको छोटा भीम वगैरह में देखने को नहीं मिलता है। तो जो उनके मेकर्स है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि वॉट यू कैन इम्प्रूव, तो विल यू, आप क्या कहोगे उन्हें कि आप क्या कर सकते हो बच्चों के लिए अभी का, बिकॉज वो मसाला आउटडेटेड हो चुका है, यू नो किड्स वैसे ही घूमते हैं फिर उसी एनवायरमेंट। सो उसके लिए आपका क्या टेक डाउन है कि वॉट दे शुड इम्प्रूव? आई थिंक मोर ओवर इट्स अबाउट अ स्टोरी लाइन इन दिस सीरीज, मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियन सीरीज द स्टोरी लाइन बिकम्स वेरी मच सिमिलर टू वॉट इट इज, एंड स्टार्ट टू एंड का फ्लो इज मिसिंग, लाइक वन एपिसोड इज डेडिकेटेड टू वन एपिसोड, इट डजंट गो अलॉन्ग विद द अदर एपिसोड, जैसा हमको पसंद है। एग्जैक्टली, अलॉन्ग विद दैट इवन इन द सेम सीरीज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कीप ऑन रिपीटिंग आफ्टर अ टाइम, सेम मसाला बस डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट बेसिकली जो अपना डेली सोप का थीम या ये रहता है हैज बीन कन्वर्टेड इन टू अ कार्टून फॉर चिल्ड्रेन, बट दैट इज नाउ हाउ इट इज सपोज टू बी, राइट, इट्स सपोज टू बी डिजाइंड इन अ डिफरेंट वे फॉर चिल्ड्रेन, सो एंड ऑल्सो इट हैज बीन डिजाइंड looking at the perspective ki ye bachcho ke liye hi hai, like even they know ki yahi maal bikta hai, yahi maal bikta hai jo commercially like ho raha hai, like creativity ki aur ja hi nahi raha ki ha ye to chal hi raha hai to mehnat kyu kare, somewhat there are some things that are also good, it's not like everything is negative about course, it, it's evolving, but hai vague hai, lekin kabhi kabhi apne dekhte to like kuch signal nahi mila, theek hai, yeah. दोस्त तेरा नाम क्या है? इस्माइल से। इस्माइल, क्या आपने एनिमी देखा है? हाँ। एनिमी में कौन सा आपने शो देखा है? नारुतो। नारुतो आपने कहाँ तक कंप्लीट किया है? 150 एपिसोड देख लिया। 150 एपिसोड देख लिया, मतलब हाँ। आपको नारुतो का अच्छा खासा नॉलेज है, मतलब क्या चलता है उसमें, किस पर शो बेस्ड है, हाँ। क्या आपको नारुतो इमोशनली कनेक्टिंग लगा है? हाँ। अभी तक जितने भी आपने एनिमेटेड शो देखे है, फॉर एग्जाम्पल देखे है मोटू पतलू वगैरह देखा है? मोटू पतलू देखा है। देखा, अगर मैं मोटू पतलू को यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर नारुतो अभी रखता हूँ, तुम किसे चूज करोगे? नारुतो। नारुतो क्यों? क्योंकि वो लाइक बहुत सारा मॉरल लेसन मिलता है और उसके जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं तुम कनेक्ट कर पाते हो, पूरा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन देर आर सिचुएशन जब तुम्हें लगता है कि हाँ सही कर रहा है या फिर इसके साथ गलत हो रहा है, तुम्हें वो हिट होता है यार, माँ बाप नहीं है, बच्चे क्या अकेला है, ये सारी चीज़ें हैं, तो तुम्हें लगता है कि इंडिया में ऐसे और शो आने चाहिए जो नारुतो जैसे ही हो? हाँ, एक तो नारुतो जैसे सेम आएंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें जैसा कूलिंग कैरेक्टर है ये सब है, वैसी और आएंगे तो अच्छी बात है। अच्छी बात है।
तो दोस्त जैसे एक सिमिलर शो है नारुतो जैसा है, ड्रैगन बॉल है, भले ही तुमने नहीं देखा हो, लेकिन बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहूँगा कि अभी कार्टून नेटवर्क तुम्हें पता है, जो अभी सपोज तुमने साल का एक बिजनेस शुरू किया है, तुम्हारा इतना इतना प्रॉफिट हुआ है, 1,00,000 प्रॉफिट हुआ है, अगर उसमें से तुम 80,000 एक प्रोडक्ट को खरीदने में लगा देते हो तो तुम यही उम्मीद करोगे कि उसका भी एक अच्छा प्रॉफिट हो, सिंस तुम्हारे साल भर का तुमने 80% दिया है। वैसे ही सिमिलरली कार्टून नेटवर्क ने अपना 80% एक नारुतो जैसा ही शो है ड्रैगन बॉल जो जापान से आता है उसे खरीदने में लगा दिया है ताकि लोग हिंदी में देख सके। जैसा तुमने इतना शोरूम है नारुतो, तुम हिंदी में तो नहीं देख रहे हो, जापानीज में देखे होंगे सब टाइटल्स में या फिर इंग्लिश में देखा है, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है अगर हिंदी में आता तो शायद और बच्चे मेरे से देख पाते थे? हाँ, जिसको इंग्लिश नहीं आता वो हिंदी तो देख पाएगा, राइट, घर घरों में चलता था। और सरप्राइजिंगली नारुतो पहले हिंदी में आता था, तुम यूट्यूब पे देख सकते हो नारुतो हिंदी डब आता था एक टाइम पे, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या तुम्हें लगता है कि अभी की जनरेशन अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगी? हाँ, क्योंकि नारुतो ज़्यादा फेमस भी हो गया और अगर हिंदी में होगा तो और फेमस हो जाएगा वो। ओके, सो अगर कार्टून नेटवर्क ऐसे पोगो जैसे अनेक चैनल हैं, अगर वो जापानीज कार्टून में इंडोर्स करते हैं, एनिमी में इंडोर्स करते हैं और इंडिया में लाते हैं, हिंदी में लाते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो पॉपुलर होगा? हाँ, एनिमी आजकल ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है, तो अगर पोगो या फिर कार्टून नेटवर्क अगर ज़्यादातर एनिमी लाएंगे तो वो ज़्यादा पॉपुलर होंगे इंडिया में। सो गाइज, यही था आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये सारे इंटरव्यू पसंद आएंगे। जैसा आपने देखा कि पब्लिक का टेकडाउन काफ़ी पॉजिटिव वे में है एंड सिंस कार्टून नेटवर्क इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फॉर श्योर उसे अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा। जैसा आपने देखा कि बच्चा हो या अडल्ट्स हो या टीनेजर्स हो, काफ़ी एंगेज्ड है एनिमी कम्युनिटी में। सो कार्टून नेटवर्क के लिए मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस। और जैसा आपको पता है कि ड्रैगन बॉल सुपर आ रहा है 22 मई को, सो हम सब ड्रैगन बॉल सुपर देखेंगे और ऐसे ही हर ट्यूसडे को आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लोकेशन होगा इंटरव्यू का जुहू बीच, तो अगर आपको इंटरव्यू में इंटरेस्ट है तो आप सुबह वहाँ पर आ सकते हो, वक्त है सुबह के 7 बजे। सो लेट्स सी क्या होता है आने वाले वीडियोस में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You'll pay for that!